कानपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला आया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कानपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप, उसके मोहल्ले में रहने वाले युवक और उसकी पत्नी ने जबरन ईसाई धर्म अपनाने का बनाया दबाव। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने उसे मकान दिलाने, 5 लाख नकद दिलवाने व बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने का दिया था लालच। पीड़िता के ऊपर लगातार बना रहे थे ईसाई धर्म को अपनाने का दबाव। पीड़िता ने जब मना किया तो आरोपियों ने उसके पति को और उसे फर्जी मुकदमों में फंसाने की दी धमकी। पीड़िता का आरोप, दबंग महिला सीओ कलेक्टरगंज साहब के कार्यालय और आवास की करती है सफाई, उसी का गांठती है रॉब। पीड़िता ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप, दरोगा सत्यपाल सिंह पे लगाया शिकायत वापस करने के दबाव बनाने का आरोप। जूही थाना क्षेत्र के साई पूर्वा का पूरा मामला। जनमंच खबर के लिए कानपुर से शशांक सोनकर की रिपोर्ट। वाइफ का नाम नहीं पता, मगर का नाम पता है। वो आते हैं मेरे घर पे, हमको किचन का बनने के लिए परेशान करते हैं। आज 1 महीने से ऊपर हो चुका था और जब इनकार कर दो तो बोलते हैं तुमको काट के फेंक देंगे, तुम्हारे घर पे तुम्हारे आदमी को जेल भिजवा देंगे। जाने के लिए कहो तो कहते हैं कि परेशान करोगे तो हम कलेक्टर में काम करते हैं और तुमको हम वहाँ पर बंद करवा देंगे। जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है तो हमने रजत भैया को अपने हमारे पास तो नहीं रहते, किसी ने कहा हमने हेल्प मांगने के लिए चले गए, जो आज उनकी वजह से हेल्प हो रही है। विश्वेंदु प्रसाद की तरफ से आपके मामले को उठाया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? हम इसको क्या कहेंगे, हमको बस न्याय चाहिए कि ये बंटी बंटी वाइफ जो हमको मारने के लिए दौड़ती है, हमको मकान पैसा सब देने के लिए कहें। पुलिस को सूचना दी थी इस बात की? जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने सूचना दी थी, उन्होंने भी कहा था कि कंप्लेन वापसी की जी, किसने कहा था कंप्लेन दरोगा साहब ने, ये सब जाल दिखाया जा रहा, दबाव में करा जा रहा, क्यों किसी के दबाव में करेंगे? मेरे बच्चे को कोई कांड हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी आप नहीं है। कौन दरोगा जी है, नाम मालूम है? एक हमारी बहन है जो नगमा यादव नाम है, 4 साल पहले विवाह किया साईपुरवा के पास। सूचना मिली कि उन्हें एक क्रिश्चियन परिवार प्रलोभन दे रहा है। प्रलोभन में किस प्रकार का प्रलोभन है? 1 लाख रुपए नगद, फ्री इलाज, पढ़ाई लिखाई मुफ्त, घर देने की। अब इस तरीके से प्रलोभन देकर क्या लगता है कि हिंदू परिवार को गुमराह कर लेंगे क्या? ये जब तक बजरंग दल यहाँ पर सेवा सुरक्षा में लगा हुआ है, किसी भी समुदाय के किसी भी लोग में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे हिंदू परिवार को गुमराह करें। 1-2 लाख रुपये क्या होता है, हम अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। बाकी यही कहना चाहेंगे कि नगमा बहन के साथ न्याय होगा, जिन लोगों ने इस तरीके का प्रलोभन दिया है उनके साथ उचित कार्रवाई होगी। जो एप्लीकेशन की पुलिस को दे दी गई है, अपराध पत्र देने के लिए मेरी बहन हमारे साथ थाना पहुंच रही है। जूही थाने के अंतर्गत का प्रकरण है तो अभी इस पर कार्रवाई हो जाएगी, अन्यथा हम संगठन इसके लिए खड़ा।